फोटो खींचने वाला है इसमें सबसे अब तक जो रिसर्च निकल के आई है उसमें सबसे जो प्रिवेंशन का बेस्ट तरीका है वो है मास्क, रेगुलर मास्क का यूज करना। और मास्क के लिए कभी आप यहाँ सोचे कि जो रेडीमेड मास्क है वो ज्यादा इफेक्टिव है, बल्कि होममेड अगर मास्क है और प्रॉपर आपको माउथ को और नोज को अगर कवर करता है तो उसके भी इफेक्ट वही है जो हम कॉस्टली N95 के तौर पर परचेज करते हैं मार्केट से। एक पॉइंट हो गया कि रेगुलर मास्क पहने अगर आपको कोविड हो चुका है तो भी, और कोविड नहीं हुआ है तो भी, और कोविड हमें मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा के लिए अमर हो गए कि आप मुझे कुछ नहीं हो सकता, बल्कि आप अभी भी डेंजर हैं और दूसरों के लिए भी खतरे का बायस बने रहेंगे। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि चाहे कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मास्क का यूज रेगुलर करना है और मास्क के लिए होममेड मास्क भी प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हैंड वॉशिंग। हमारे जो बॉडी में सबसे मेन पार्ट है वो हाथ में जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, हर चीज़ को हम टच करते हैं, चाहे वो हम कभी कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो पैसा देते हैं या लेते हैं उस वक्त भी हमारा हाथ इन्वॉल्व होता है। तो जब भी हम घर में एंट्री करें सबसे पहले हम अपना प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करें। हैंड वॉश के लिए आप सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप भी सबसे बेटर, इसमें कोई स्पेशल सोप की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर यह है कि अभी जो रिसर्च जैसा मैंने बताया कि मास्क जो है सबसे मेन फंडामेंटल चीज़ निकल के आई है और उसका यूज़ करना। दूसरा है वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन आजकल हमारे मुल्क में चल रहा है उसके लिए बहुत सारे लोगों में कुछ डाउट्स है, वो चाहते हैं, वो जानते हैं, पता नहीं चाहते हैं किस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह का फैलाया गया है कि किसी को फीवर आ गया, प्रोपेगेंडा किया गया है कि फीवर आ गया, किस तरह से कहा जाता है कि वो हमेशा के लिए इन्फर्टाइल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार ने बहुत ही रिसर्च के बाद ये वैक्सीन को मार्केट में उतारा है और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीनेशन अपना करवाएँ। और वैक्सीनेशन का ये नहीं कि हम सिर्फ एक डोज ले लें और हम सोचें कि हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, दोनों डोज बहुत ही ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन के लिए कभी भी मन में कोई भी डाउट नहीं रखें और जो भी प्रोपेगेंडा है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करें, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ये भ्रांति फैलाते हैं समाज में कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको हम ना कामयाब होने दें। इसलिए हम इन डाउट्स में ना पड़ते हुए वैक्सीनेशन को प्रॉपर तरीके से करें। वैक्सीनेशन और मास्क के जरिए ही हम चैन को ब्रेक कर सकते हैं, जो कोविड-19 की चैन है उसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए हमें मास्क पहनने का एक चैन बनाना पड़ेगा। जब तक हम मास्क के चैन स्टार्ट नहीं करेंगे हम कोविड-19 के जो चैन है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, स्प्रेड जो हो रहा है उसको ब्रेक नहीं कर सकते। उसके अलावा हमें अभी भी बिल्कुल सचेत रहना है और ये हमें सोचना है कि हम बिना मतलब मार्केट में नहीं निकलें, और अगर हम हॉस्पिटल में भी आते हैं तो हम बच्चों को लेकर के नहीं आए, अगर ज़रूरी नहीं है तो कोशिश करें कि बच्चों को वहाँ पर गैर जरूरी बाहर लेकर ना निकलें। कई बार देखा गया है कि दिखाना एक वो है घर से तीन लोग निकल रहे हैं, तो ये चीज़ जो है आगे मैंने एक बार नोट किया है कि लोग इसको एंजॉय के तौर पर चल रहे हैं, चलो एक हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ऑलरेडी इतने इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। और एक चीज़ और, जब भी हॉस्पिटल में निकले तो मॉर्निंग में पूरी तरह से अपना ब्रेकफास्ट करके निकले, क्योंकि उस टाइम क्या होता है जब हम घर से निकलते हैं तो इम्यूनिटी हमारी लो होती है और मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो है वो और उसके इन्फेक्शन भी कोविड-19 में ही देखा गया है कि जो हमारी इम्यूनिटी लो रहती है तो उस टाइम हमें अपने आप को इन्फेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी हम घर से निकले प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें, पूरी तरह से पानी पीकर निकलें, खाना खाकर निकलें, और जितने लोगों को दिखाना है वही लोग हॉस्पिटल में जाएं, और बच्चों को तो हरगिज़ लेकर नहीं जाएं। और हमें ये कोशिश करनी है कि जब तक हमारा इन्वॉल्वमेंट 100% नहीं रहेगा गवर्नमेंट किसी भी स्कीम को उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती और इस कोविड-19 के चैन को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। आज हमारे जो टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन सब का यही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आपको कन्वे करें। और इस मीटिंग का सक्सेसफुल जब भी है जब हर इसमें से एक आदमी भी जा करके 10 आदमी को ये बातें कन्वे करता है, तो हमें एक तरह से पॉजिटिविटी की चैन जो है, पॉजिटिव जो हैबिट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तब जा करके हमारा जो मकसद है वो हम उसको अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार उसको पूरी तरह से लगी हुई है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो भी डाउट्स हैं आप कहीं भी आकर पूछ सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हमारे टाइम रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कुछ ऐसी वैक्सीन, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इम्यूनिटी के बूस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो आप आकर के यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बातें यहाँ बताई गई हैं वो सिर्फ अपने तक ना रखें, क्योंकि अच्छाइयाँ जो हैं वो बांटने से बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम इस कम्युनिकेशन को
ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, और जरूरी नहीं कि ये बातें हम सिर्फ हॉस्पिटल्स में आके करें, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आप चाहे जितने कहीं पे जाते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे, आप जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव चीज़ ही पढ़ें और नेगेटिव को फॉरवर्ड करें, आप पॉजिटिव चीज़ को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस मामले में हमारा गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज पटना जो है बहुत ही आगे रहा है, और हर ये फेमस इंस्टीट्यूट है, इसलिए चाहते हैं कि हम लोग आप यहाँ पर आएँ, और अगर आपको लगता है कि हमें कोई डाउट है कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर के, आप वहाँ पर उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो दवाएं हैं आयुष मिनिस्ट्री की, उसको भी आप ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।